हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र अबूत गुजरात से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आज, स्पेशली जो जो लोग क्रूड में ट्रेड करते हैं उन सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी वो ये है कि भाई, अब से एवरी वीक जब क्रूड का इन्वेंट्री होता है तो मैं अपनी इस चैनल पर लाइव रहूँगा और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मतलब यहाँ से बाय करना चाहिए, यहाँ से सेल करना चाहिए इन्वेंट्री से 10 मिनट पहले। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली एवरी वेनसडे क्रूड का इन्वेंट्री होता है उससे 10 मिनट पहले मेरी चैनल पे आ जाए, मैं लाइव रहूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है और आपके फ़ंड के अकॉर्डिंग कि भाई आपका फ़ंड कितना है उस हिसाब से कहाँ से बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए या बाय या सेल करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और सेकंड थिंग, मैं आपको ये बता दूँ कि क्रूड आप सबको पता है कि वैसे भी वो बहुत ही वॉलेटाइल है, तो इन्वेंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं मतलब कोई भगवान नहीं हूँ कि भाई मैं जो बोलूँगा क्रूड उसी दिशा में जाएगा, आप सब लोग भी जानते हो ये चीज़, ठीक है। हाँ, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि मैं जिधर बोलूँगा उधर पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और इन्वेंट्री की बात करूँ तो 65 से लेकर 75 तक का एक्यूरेसी रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको सबको पता है कि इन्वेंट्री में कितना वॉलेटाइल होता है और दोनों साइड मूवमेंट करता है, तो ये हमको इससे कैसे बचना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही रिस्की है, तो आप थोड़ा बहुत रिस्क उठाना चाहते हो तो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो इन्वेंट्री में डेफिनेटली ट्रेड करेंगे मेरे साथ। मैं खुद भी अपने यहाँ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेड करूँगा और आपके साथ ट्रेडिंग करूँगा और आप लोग भी मेरे साथ ट्रेडिंग करना। तो चलिए, एवरी वीक आप रेडी रहना। ये तो अभी इस ये वेनसडे तो चला गया, लेकिन अब जो भी वेनसडे आएगा एवरी वेनसडे मैं लाइव रहूँगा और ये भी कोशिश करूँगा कि एनजी की इन्वेंट्री में मैं लाइव रहूँ, लेकिन बहुत बिजी रहता हूँ तो अभी के लिए तो एनजी के लिए कोई खबर नहीं है, लेकिन क्रूड में डेफिनेटली हम लोग ज्वाइन होंगे एवरी वेनसडे। चलिए, तो रेडी रहिएगा। धन्यवाद।